ओप्पो S79 इस फोन पर ऐप को आप हाइड कर सकती हो, जितना भी ऐप है उन ऐप को आप हाइड कर सकती हो। तो हाइड कैसे आप कर पाएंगी, ऐप को हाइड करने के लिए आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स ऑप्शन पर आपको प्राइवेसी एक ऑप्शंस मिल जाएगा, प्राइवेसी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा सेटिंग्स पर, प्राइवेसी ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्राइवेसी ऑप्शंस पर मिलेगा आपको हाइड एप्स, हाइड एप्स पर आपको प्रेस करना होगा। इधर से जो ऐप को आपको हाइड करना है उस ऐप्स को अगर आप ऑन करेंगे तो आपको मिलेगा सेटिंग्स, सेटिंग्स पर प्रेस करके एक लॉक सेट करना होगा जो कि होगा प्राइवेसी लॉक। यूज पर प्रेस करके आपको कॉन्फर्म लॉक देना होगा, ऐसा कुछ टाइप करना होगा। इधर अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड को भूल जाती हो तो इस टेक्स्ट को अप्लाई करके आप प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज कर सकती हो। सेट एक्सेस कोड में आपको सेटिंग्स पर प्रेस करके एक कोड सेट करना होगा, जिस कोड में लास्ट में और फर्स्ट में हैज देना होगा। हैज उस कोड दीजिए जो कि आपको सेट करना होगा, और लास्ट में फर्स्ट में हैज देके आपको कोड सेट करना होगा, उसके बाद राइट करना होगा, डन करना होगा। तो अगर आपको और किसी ऐप को हाइड करना है इधर से आप और ऐप को इधर से आप हाइड कर सकती हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्प हो है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपको उन हिडन ऐप को ओपन करना है, अगर हिडन ऐप को आपको देखना है या ओपन करना है तो कैसे आप कर पाएंगी, ऐप हाइड हुआ है देखिए होम पेज पर, यूट्यूब नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब आपको इस फोन पर प्राइवेसी पासवर्ड के बिना आप ओपन नहीं कर सकती हो। देखिए किसी भी जगह पर आपको यूट्यूब नहीं मिलेगा, जो जो ऐप को मैंने हाइड किया है हाइड ऐप नहीं मिलेगा। तो हाइडन ऐप को ओपन करने के लिए डायलर ऑप्शंस को ओपन करना होगा, डायल पैड पर आपको डायल करना होगा, जो कोड आपने सेट किया था वही कोड देना होगा, आगे पीछे आपको हैज देना होगा। तो हिडन ऐप ओपन हो जाएगा, इस तरह आप हिडन ऐप को आप ओपन कर सकती हो। अगर किसी भी ऐप को आपको ओपन करना है तो इधर से आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकती हो। थैंक यू।